हेलो सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। रिचार्ज कराने से पहले हर कोई डरता है, बताओ इतना स्लो इंटरनेट कैसे चलता है। सर, आपने पिछली बार कितने का रिचार्ज कराया था? था नहीं अंधा फिर भी दुकानदार चश्मा लगाया था। था नहीं अंधा फिर भी दुकानदार चश्मा लगाया था। मैंने वहीं से 495 का रिचार्ज कराया था। अपनी लोकेशन बता सकते हो? ना इंडिया गेट है ना लाल किला है, मेरा घर मुरैना जिला है। इस मातृभूमि से जुड़ा है और सपना इस मातृभूमि से जुड़ा है, मेरा घर अंबा कस्बा है। पर आप लाइन पे बने रहिए, मैं अभी चेक करता हूँ। मैं ट्रेन पर भी रहूंगा। मेरे भाई तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक कर वरना मोबाइल में घुस के मारूंगा। सर, आपके क्षेत्र में कुछ तकनीकी समस्या चल रही है, इस पर हमारी टीम जल्दी ही काम करने वाली है। निश्चिंत रहिए, समस्या जल्दी दूर होगी। आज गरीबी है कल अपने पास भी कार होगा। इंटरनेट पैक खत्म हो जाएगा तब जाके सुधार होगा। आप टेंशन फ्री रहिए, समस्या जल्दी हल हो जाएगी, जल्द से जल्द सुधार हो सके। और हमें इस बात का खेद है, हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही है। पहले करते हो गलती फिर कहते हो खेद है। हमें तो लगता है कि तुम्हारे सिस्टम में छेद है। देखने का नजरिया सही हो तो गधा भी पहलवान लगता है, अगर मोबाइल में इंटरनेट हो तो गधा भी जवान लगता है। फटे हुए कपड़े स्टाइल बन जाते हैं। अब सिया नहीं जाता, बिन आटा तो जिया जाता है पर बिन डाटा नहीं जिया जाता। इंटरनेट के चक्कर में बैठ खेतों में मच्छर भगाते हैं और भगवान से ज्यादा तो इस मोबाइल को अगरबत्ती दिखाते हैं। तुम कहो तो मच्छर भगाने के लिए तोप मंगाऊं और इंटरनेट चलाने के लिए क्या पेड़ पे चढ़ जाऊं? आप लोग क्या वीडियो देखकर हिल जाते हैं भैया, जो बिना लाइक किए भाग जाते हैं। आए ठंडी का समय, चाय पीजिएगा, कौन सा पैसा लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। टेंशन में भी खुशी दिलाता रहेगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये पठान आपको इसी तरह हंसाता रहेगा।